गट्टू, गर्मियों में तरबूज खाने का मजा ही अलग है। ये बात तो तू सही कह रहे है दू। अब एक काम करते हैं, मम्मी के आने से पहले सारा तरबूज खा लेते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, चल अब खाते हैं। अरे हमारा तरबूज कहाँ गया? हाँ यही तो था, चल ढूंढते हैं तरबूज की प्लेट। अरे मम्मी आपके हाथ में ये तरबूज की प्लेट क्या कर रही है? लाओ हमें दे दो। बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों मम्मी? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम पूरा दिन तरबूज खाते रहते हो और पूरा दिन एक चीज खाने से पेट खराब हो जाता है। लेकिन कुछ नहीं, अब तुम दोनों को तरबूज नहीं मिलेगा, दिन भर बस यही खाते रहते हो। मारा तरबूज। गट्टू तू ये क्या कर रहा है? असली तरबूज तो मिला नहीं, इससे ही खुश हो रहा हूँ। मेरे भाई तो चिंता मत कर, एक दिन हम बहुत सारे तरबूज खाएंगे। लेकिन वो एक दिन कब आएगी रिद्धू? वो तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, सॉरी भाई, कुछ कर, मुझे तरबूज खाना है। खाना तो मुझे भी है, लेकिन क्या करूँ? एक आइडिया आया। क्या आइडिया है, जल्दी बता। हाँ लापता खाने चला। लेकिन मुझे लगता नहीं काम करेगा। काम तो करेगा, तू बस दिखता जा। ठीक है गट्टू, तू बहुत खुश लग रहा है। कुछ नहीं माम, बस ये सोच रहा था आपने अच्छा किया हमें तरबूज ना देकर। अच्छा वो कैसे? वो मम्मी हम बहुत ज्यादा तरबूज खाने लगे थे ना, इसलिए। हाँ मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। वैसे तेरा भाई रिद्धू कहाँ है? वो शायद सो है अंदर। अच्छा चलो सही है, अगर जगा हुआ होता तो तरबूज के लिए परेशान करता। अरे तुम कौन हो और घर में कैसे घुसे? मैं हूँ लुटेरा। क्या लुटेरा? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ मम्मी इसको जो चाहिए दे दो। अरे डर मत गट्टू, ये तो बहुत छोटा सा है, इसको तो हम दोनों ही पकड़ लेंगे। पर मम्मी इसके हाथ में चाकू है। हाँ ये तो तू सही कह रहा है। क्या फुसफुस कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ वैसे भी मुझे कानों में चुगली करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आपको क्या चाहिए? पैसा, सोना? पैसे सोना उसका मैं क्या करूँगा? फिर क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए तरबूज। क्या तरबूज? जल्दी लाओ वरना। अरे मम्मी इतना सोचो मत, दे दो जल्दी। हाँ हाँ तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ तरबूज। देखा गट्टू कितना प्लान कामयाब होगा। हाँ तो सही था। ये लो तरबूज। आखिरकार तरबूज मिल ही गया। तू के बच्चे तेरी तो क्यों देख रहा है? तेरी वजह से आज तरबूज चला गया मेरे हाथ से। ओए माँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं तरबूज को देखकर अपनी खुशी रोक ही नहीं पाया। अगर रोक लेता तो अभी हम तरबूज खा रहे होते। अब जो हो गया वो छोड़, अब ये सोच तरबूज कैसे मिलेगा। बेटा दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारे चाचा जी आए हैं। क्या चाचा जी आए? तो बच्चों मजे आ रहे हैं ना? मजे नहीं, तरबूज की याद आ रही है। क्या मतलब? कुछ नहीं चाचा जी, बस मजाक कर रहा था। तरबूज। रुको, तुम दोनों में से कोई भी तरबूज को हाथ नहीं लगाएगा। अरे खाने दो ना, बच्चे हैं। बच्चे नहीं, बच्चों के बाप है ये। सारा दिन तरबूज खाते हैं। अब आप ही बताओ, सारा दिन तरबूज खाएंगे तो नुकसान ही करेगा ना। बात तो सही है खैर तुम्हारी। गट्टू मम्मी और चाचा जी बातों में लग गई है, जल्दी से प्लेट में एक उठा ले। फुकरों की टोली, सपनों की गोली, हर ऊट पटंगा, हनी चो चला ले की जेब पे खाली, कदम कदम पे पंगा, हर सिक्के पे टी गुल कर देंगे, नहीं है कोई चॉइस, सजा देंगे ये तुमको ना।
अरे वो सब छोड़ो, तुम तरबूज खाओ। ये क्या, तुम एक ही स्लाइस लाई हो बस? नहीं, एक स्लाइस तो नहीं, मैं तो बहुत सारी लेके आई थी, कहाँ गई? अब समझी मैं तरबूज कहाँ गया। तुम दोनों को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। भाई मुझे लगता है अब हम कभी भी तरबूज नहीं खा पाएंगे। हाँ लगता तो मुझे भी है। अरे सुनो, तुम दोनों को तरबूज खाना है? हाँ खाने है। तो ठीक है, उसके लिए तुम्हें आज एक काम करना होगा। तरबूज के लिए एक काम नहीं, मैं तो बहुत सारे काम कर सकता हूँ। क्यों बट्टू? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो दोनों घर के काम करने में मेरी मदद करो। ठीक है, बताओ क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, झाड़ू पोछा और घर की थोड़ी साफ सफाई, बस इतना सा अभी करते हैं। चलो बट्टू। काम में मदद करें तो आप हमें तरबूज दोगे? हाँ कहा था, लेकिन ये कब कहा था कि आज ही दूंगी, दे दूंगी कल परसों जब मेरा मन होगा। हमारा पोपट बन गया। हाँ दोनों का पोपट हो गया। उस दिन चाचा की तरबूज खाए थे, मजा आया ना? बस बहुत हो गया, अब हम तरबूज खा कर ही रहेंगे। और कैसे? चोरी करके। क्या चोरी करके? पर चोरी तो गलत है ना? अरे यार हम चोरी कर सकते हैं, कृष्ण भगवान भी तो मक्खन चुरा के खाते थे ना, तो हम भी तो तरबूज चुरा के खा सकते हैं। भाई सही कह रहा है। मैं तो सही कहता हूँ क्रिसमस सब की तुम में। तरबूज, अब चलो इसे खाते हैं। तुम दोनों तरबूज के इतने बड़े दीवाने निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। तुमने तरबूज के लिए चोरी भी कर ली। मम्मी प्लीज दे तो तरबूज। तरबूज तो मैं दे दूंगी, लेकिन उसको जो मुझे बताएगा ये तरबूज चोरी किसने किया था। मम्मी इसने करी है चोरी। मम्मी ये झूठ बोला, इसने करी है चोरी। इसने करी है? इसने करी है? इसने करी है? चुप करो तुम दोनों, अब मैं ये तरबूज तुम दोनों में से किसी को नहीं दूंगी और तुम्हारी पिटाई करूंगी। क्या? अरे ऐसे तो गट्टू कट जाएगा। एक काम करता हूँ, इल्जाम अपने ऊपर लेता हूँ। मम्मी मैंने करी है चोरी। अरे ऐसे तो रिद्दू पिट जाएगा। नहीं मम्मी मैंने करी चोरी। तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, एक दूसरे को बचाने के लिए तुम दोनों ने अपना अपना नाम ले दिया। ये लो तरबूज खाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। रिद्दू तुम्हारी तरबूज की दीवानगी तो Hey guys, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। रिद्दू पिद्दू, बाय बाय।